समय उपस्थित यहाँ पे काफी हजारों की तादाद में यहाँ पे राम भक्त के राम पब्लिक है, यहाँ पे काफी तादाद में यहाँ पे जुटी उपस्थित है। और यहाँ पे हमारे ठीक अपोजिट सामने यहाँ पे हमारे हनुमान जी यहाँ खड़े हुए हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। राम मंदिर बनना चाहिए एक आतंकवादी के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलता है, इसके लिए हमारे राम मंदिर के लिए कोई कानून नहीं पास हो रहा है। तारीख आप सरकार को करना होगा और तारीख बतानी होगी जिस तरीके से जैसे भी है, पर राम मंदिर बनेगा और भव्य रूप में बनेगा। भगवान प्रभु रामचंद्रांचं मंदिर निर्माण झालं पाहिजे या संदर्भामध्ये ऐकत आलेलो आहोत, ऐकतोय। धर्म जगला तर बांधवांना आपण जगणार आहोत, कारण धर्म हे माणसाचं अधिष्ठान आहे आणि त्या अधिष्ठानाचे आद्य देवता भगवान प्रभू रामचंद्र आहेत असे आम्ही म्हणतो। भगवान कृष्णाने गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे अर्जुनाला कुरुक्षेत्रावर की अर्जुना या माणसाचा अंतर समय येतो, त्या माणसाने जर माझं नाव घेतलं तर माझ्या निज रामाला त्याला पोचता येत। भगवान प्रभू रामचंद्रांचे नाव म्हणूनच आपण मध्य समयी अंत समयी घेत असतो की आपल्याला मुक्ती मिळावी, आपल्याला मोक्ष मिळावा। मग या भगवान प्रभू रामचंद्रांच्या मंदिर निर्माण कार्यामध्ये जर आमच्या देहाच्या आहुती पडणार असतील आणि तशी सरकारची जर इच्छा असेल, हम आभारी हैं सभी परम पूज्य संतों के जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर हम सभी को आशीर्वाद दिया। हम आभारी हैं सभी व्यास जी पर बैठे हुए महान भावों के जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। हम आभारी हैं विराट धर्म सभा में आए हुए सभी राम भक्तों को, माताओं को और बहनों के जिन्होंने यह इतनी विराट धर्म सभा सफल बनाई। हम आभारी हैं पुलिस प्रशासन के जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और अव्यवस्था नहीं हुई, इसके लिए हम बीके से पुलिस स्टेशन का बहुत बहुत आभार मानते हैं। हम आभारी हैं श्री गणेश परमा ट्रस्ट के जिन्होंने सुंदर जल व्यवस्था की। हम आभारी हैं श्री रामलीला प्रचार समिति के जिन्होंने प्रसाद की व्यवस्था। सर, राम अयोध्या में राम की चर्चा चल रही है कि राम मंदिर राम की चर्चा केवल अयोध्या में नहीं है, राम केवल अयोध्या के नहीं संपूर्ण दुनिया के है और आज यह चर्चा पूरी दुनिया में है कि मंदिर जल्दी बनना चाहिए। अब बहुत विलंब हो गया है, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। आज पूरा विश्व पर्यंत तुम्हारी जो संकट ले चुका है, अब और इंतजार नहीं किया जाएगा, कानून लेकर आए और राम मंदिर बन जाए। मंदिर बनाने से महान सवाल नहीं होगा, यहाँ खराब करने के धमकी ये जगती हर बार देता है। क्या उन्होंने धमकी 1945 में नहीं दी थी? क्या उनकी धमकी के आगे हमने आजादी का नहीं प्राप्त की थी? क्या उन्होंने धमकियां पहले नहीं दी है? मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ जगती तत्वों को, ये 1945 में नहीं है। कैमरा पर्सन पंकज तिवारी के साथ धनुषधारी यादव, मेट्रो मुंबई।